मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद अलरफीसा डैम वादी शीश के करीब राफीसा गांव में वाक़े है। करीब 40 साल पहले 63 मिलियन डॉलर की लागत से तामीर किया गया अलरफीसा डैम का रकबा 10,000 मुरबा मीटर पर मुहित है। अलरफीसा डैम ना सिर्फ मकामी वादियों में मौजूद आबी गुजरगाहों को सैराब करता है बल्कि हालिया सालों में मकामी सयाहों की तवज्जो का मरकज भी बन चुका है। इस बारे में मजीद जानते हैं दुबई में हमारे ब्यूरो चीफ फहद आसिफ से जो वहाँ मौजूद हैं। जी बिल्कुल, MM5 न्यूज़ के नाज़रीन के लिए ख़ास तौर पर आज मैं मौजूद हूँ अलरफीसा डैम में, जो कि शारजा और कुरफ़खान हाईवे के ऊपर मौजूद है। ये डैम 1980 में तामीर किया गया था, लेकिन हालिया सालों में यहाँ सयाहों की आमदोरफ्त के लिए एक विज़िटर सेंटर, बोटिंग की सहूलियात, बच्चों के लिए झूले और रेस्टोरेंट समेत दीगर सहूलियात का जो है ना वो इजाफा कर दिया गया है। करोना वायरस की वजह से, क्योंकि बैरून मुल्क ट्रैवल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, इसीलिए UAE में मुकीम अफराद जो हैं लोकल सतह के ऊपर जो है मुख्तलिफ मकामात का रुख कर रहे हैं। और ये जो डैम है ये दुबई से तकरीबन 1.5 घंटे की मुसाफत पर है, लेकिन आप जिस तरह देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी इलाका है, साथ पानी है और ये पुरफजा मकाम जो है UAE के अंदर सयाहों की तवज्जो का जो है वो मरकज़ बना हुआ है।